अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई आप लोग के लिए एक मजेदार सी रेसिपी लेके। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी केले के हलवे की रेसिपी, जो काफी ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा लजीज होगी और इसको बनाना बिल्कुल ही इजी होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। तो इसको बनाने के लिए ले ली हूँ मैं 3 केला, 2 टेबल स्पून करीब शक्कर और 1 कप दूध और 1 टेबल स्पून करीब अरारोट। और मैं एक रख दी थी गैस पे कढ़ाई, एकदम धीमी आंच में गैस चालू की थी। इसके अंदर मैं ऐड कर दी हूँ शक्कर और हम गैस एकदम स्लो रखेंगे और कढ़ाई ज्यादा गर्म ना हो हम जान देंगे, तभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शक्कर। शक्कर ऐड करने के बाद इसको चलाते रहेंगे ताकि एकदम अच्छे से इस तरीके से मेल्ट हो जाए, जिस तरीके से शक्कर हुई आप देख सकते हो एकदम ब्राउन कलर की। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दी हूँ दूध, जो हम ली थी 1 कप के करीब। दूध ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से चला लूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो शक्कर एकदम अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए, इसका रंग थोड़ा ऐसे कॉफी कलर हो जाए आप देख सकते हो। फिर मैं केले को छील ली थी, अब मैं इसको एक चम्मच की मदद से एकदम अच्छे से मैश कर दूंगी इस तरीके से। मैं केले को एकदम अच्छे तरीके से मैश कर चुकी हूँ आप देख सकते हो। फिर दूध में जो था एकदम अच्छे से दूध भी पक चुका था तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और आप इसका कलर भी देख सकते हो। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी केला, जो हम मैश किए थे बनाना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट के लिए एकदम अच्छे से चला लेंगे, ताकि जो केला है इसमें जो भी थोड़ा गट्टा गट्टा है हम इसको अच्छे से चला लेंगे, ताकि एकदम अच्छे से मैश हो जाए इसके अंदर। और हम ध्यान देंगे एकदम अच्छे से इसको चलाते रहेंगे, वरना धीमी आंच पे फास्ट फास्ट करेंगे तो जल जाएगा। हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे और इस तरीके से हम चम्मच की मदद से इसको और मैश कर देंगे इसके अंदर, ताकि एकदम अच्छे से मैश हो। तो ये एकदम अच्छे से मैश हो चुका है आप देख सकते हो। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अरारोट का पाउडर, मैं 1 टेबल स्पून करीब ली थी। उसके अंदर पानी डाली थी मैं, ठंडा पानी, और इसको अच्छे से मिक्स कर ली थी ताकि उसमें जरा भी लम्स ना रहे इस तरीके से। उसके बाद एकदम अच्छे से मैं इसको पहले चला लूंगी, फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अरारोट का पाउडर, पानी जो हम बनाए थे। अरारोट का पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट धीमी आंच में चलाते रहेंगे, वरना ये बहुत सूख जाएगा, हम ध्यान देंगे इस चीज का। और मैं लिए काजू, काजू में बीच में से सिर्फ 2 टुकड़ा किया, आप चाहते हो उसको हल्का सा दरदरा से मिक्सर में पीस भी सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी काजू, काजू ऐड करने के बाद मैं इसको चला लूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे। उसी तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वरना ये नीचे जो लग के जल जाएगा और फिर टेस्ट जो खराब हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे बार बार। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी घी, मैं इसके अंदर घी ऐड करी तकरीबन 1 टेबल स्पून करीब, बहुत ज्यादा घी हम इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे, मैं 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करी हूँ। और शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, जितना आपको मीठा खाना रहेगा, मैं कम ही मीठा बनाई हूँ। उसके बाद मैं घी ऐड करने के बाद भी इसको एकदम अच्छे से चला लूंगी, फिर मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसको हल्का हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कोई चीज में हम इसको निकाल लेंगे जिसमें हमको इसको रखना है, या अच्छे से ठंडा हो जाए, सेट हो जाए, तकरीबन हम इसको आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल दी और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी बाहर तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि जो है तो अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसको आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना आप इसको इस तरीके से पीस में काट सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए इसको इस तरीके से पीस में कट कर दूंगी, आप चाहे तो उसको ऐसे भी चम्मच से लेके खा सकते हो, मैं इस तरीके से इसको पीस में कट कर दूंगी, आपकी अपनी मर्जी, अगर आपको करना है तो करें, अगर आपको ना करें तो आप ना करें। और मेरा ये मजेदार सा केले का हलवा बनके तैयार है, ये काफी ज्यादा लजीज, काफी ज्यादा टेस्टी बना था। आप लोग भी एक बार इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।